मन तो कर रहा मैं बुड्ढे पे मारूं जाके। अबे रहने भैया, रहने रहने। मुरादाबाद के सदर कोतवाली इलाके में एक डेयरी संचालक द्वारा अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर एक मासूम स्ट्रीट डॉग की बहरेमी के साथ सड़क पर घेर कर जबरदस्त पिटाई कर डाली, जिससे मासूम स्ट्रीट डॉग अधमरा हो गया। एक बेजुबान की इस तरह से की गई पिटाई की सूचना पर PFA मेनका गांधी फाउंडेशन की टीम मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल स्ट्रीट डॉग को इलाज देने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ घंटों बाद मासूम डॉग ने दम तोड़ दिया, जिससे मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई, क्योंकि डेयरी संचालक मौके से फरार हो गया था। टीम ने डेयरी पहुंचकर मौका मुआयना किया और सदर कोतवाली पुलिस को भी घटना स्थल पर बुला लिया और कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला पशु चिकित्सालय भिजवा कर आरोपियों के खिलाफ तहरीर सौंपी है। सर, मैं करुणा शर्मा PFA से श्रीमती मेनका गांधी मैम की NJ से हूँ। कल 8:30 बजे रात को हमारे पास फोन आता है कि एक कुत्ते को एक बंदा यहाँ डेयरी वाला बहुत बेरहमी से मार रहा है। सर, हमारे बच्चे वॉलंटियर पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल अधमरी हालत में डॉग था। हमारे बच्चों ने उसको फर्स्ट एड दी, मगर इतनी बेरहमी से मारा गया था कि इसको ऑन द स्पॉट मेरे ख्याल से 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो गई। ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और सर, यहाँ आप ये डेयरी क्या नाम है इसका, बेटे का नाम हर्षित है और प्रेम नाम है और एक दूसरा बंदा है। लोगों ने बचाने की कोशिश भी की, मगर ये इतनी क्रूर मानसिकता का है कि ये उन्हीं पे अटैक कर रहा था। ये डेयरी बंद करवानी है सर, लोगों के लिए खतरा है। देखिए कितनी संकरी गली में इसने बिजनेस कर रखा है दूध का। बहुत कुत्ता स्ट्रीट डॉग है सर, वो भी कम्युनिटी मेंबर है। आपको पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इनको भी मूल निवासी का प्रमाण पत्र मिल गया, इनको भी रहने का हक है। मगर यहाँ के कुछ लोग होते हैं हर जगह के जो इनको रहने के दूबर कर दिया, रहना इनको सड़कों पे दूबर कर दिया रहना। तो आप लोगों से भी हम लोग गुहार करते हैं सर, हम FIR कराएंगे क्योंकि उसको मारा गया, उसको भी जीने का हक है। और आप सभी बस